नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10वीं की क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का बाल गोविंद भगत चैप्टर पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत किसने लिखा है? श्री रामरिश बेनीपुरी जी ने लिखा है। रामरिश बेनीपुरी जी के बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है, जिससे कि आपको पाठ पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो अगर हम संक्षिप्त जीवन परिचय की बात करें तो जो इनका जन्म हुआ था वो मुजफ्फरपुर बिहार में है। मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था। ये आपकी हिंदी गिनती में लिखा है इसलिए हमने इसको लिख दिया है 1899 में हुआ था। और क्या है, क्योंकि जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय बचपन में इनकी माता पिता का देहांत हो गया था, तो इनका बचपन जो है बहुत कठिनाई में बीता। इन्होंने बड़ी मुश्किल से 10वीं तक की पढ़ाई की थी। और उसी समय 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था, ये उसमें कूद पड़े और इस चक्कर में इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन ये है कि देशभक्ति की भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, तो ये अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश के बारे में लिखा करते थे। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो है माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर, चिता के फूल, नेत्रदान। कुछ साहित्यिक विशेषताएं भी हैं जिसको पढ़ के हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कहानी में भी हमारे काम आएगा। जो विचार, जो इनकी कहा विशेषताएं हैं उसमें एक ये था कि विचार, कल्पना और भावना का अद्भुत संगम, यानी जो ये कहानियाँ लिखते हैं, जो ये कहानी पात्र गढ़ते हैं ना, उसकी जो विशेषताएं होती है उसमें ऐसा लगता है कि इसमें विचार भी है, कल्पना भी है और भावना का भी समावेश है। और जो ये बातें करते थे, जो वो व्यक्त करना चाहते थे, बहुत स्पष्ट रखते थे बातों को, वो बहुत आसानी से हमें समझ में आ सके तो इस ढंग से रखते थे कि पाठकों को वो आसानी से समझ में आ सके। उसके अलावा उन्होंने देश, समाज और राष्ट्र के विकास की भी ना ललक दिखाई देती है। आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन के लिए कूद पड़े थे, तो उनकी कहानियों में देश, समाज और राष्ट्र के विकास की भी भावना दिखाई देती है। तो अगर हम बात करें हमारे प्रेजेंट चैप्टर की, बाल गोविंद भगत, तो इसमें भी उन्होंने जीवन जीने की कला के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है एक पात्र बाल गोविंद भगत के माध्यम से। और इसकी अगर भाषा की बात करें तो भाषा बहुत ही रोचक होती है, ओजपूर्ण और सशक्त होती है। अब हम इसके बाद देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शब्दार्थ, क्योंकि ठेठ भाषा है तो हमें उनके अर्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, आगे हम देखेंगे कुछ शब्दार्थ। कुछ शब्दार्थ देखेंगे, आपको बताया था बहुत ज़रूरी है। मझोले यानी बीच के, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, यानी कद की बात हो रही है, हाइट की। जटाजूट, लंबे लंबे बालों की जटाएं, ठीक है। कबीरपंथी, कबीर जी, ठीक है, यानी जो कबीर के धर्म को, कबीर के पंथ को मानने वाले लोगों को हम कबीरपंथी कहते हैं। कमली, कंबल। पतौ, पुत्रवधू। खरा उतरना, सही सिद्ध होना। खामखा, कभी कभी हम कहते हैं ना खामखा की बातें हो गई, तो उसे मतलब होता है बेकार का, व्यर्थ। कुतूहल, ठीक है, कौतूहल होता है, तो इसमें उन्होंने कहा कुतूहल, जिसे कहते हैं कि जिज्ञासा। साहब यानी कि भगवान। गान, गीत, जो गाना गाते हैं। कंठ, गला। मेड़, खेत के किनारे मिट्टी की ऊंची ऊंची ढेर लगा के जो रास्तों को थोड़ा ऊंचा किया जाता है, तो खेत के किनारे ऊंची मिट्टी के ढेर से बनी जगह। पुरवाई, पुरवैया हवा चलती है, तो ये पुरवाई क्या है, जो हवा पूर्व की तरफ से, यानी पूर्व डायरेक्शन की तरफ से आती, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। भादो, सावन, आषाढ़, भादो, कार्तिक, फागुन, ये सारे क्या हैं, हिंदी महीनों के नाम हैं, तो उसमें से एक है भादो, यानी एक देसी मास। यहाँ मास क्या है, यानी कि मंथ, महीनों का नाम, एक देसी मास का नाम। खंजड़ी, इसमें बाल गोविंद जी अपनी खंजड़ी बजाते हैं, तो खंजड़ी क्या होता है, डबली की तरह का एक वाद्य यंत्र होता है, लेकिन डबली से थोड़ा छोटा होता है। पीवा यानी कि पिया। अब हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम कहानी शुरू करते हैं। तो शब्दार्थ आपने देख लिया, जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसमें स्टार्टिंग में कुछ लाइन्स हैं जो आपको देखनी होगी। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है।
वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। यानी जो रामकृष्ण वेनपुरी जी हैं, उन्होंने बाल गोविंद के माध्यम से जो हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं, जहाँ पे ये सन्यासियों की बात की जाए तो बहुत ढोंग है, बहुत दिखावा है, लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से सन्यासी हो सकता है। उसके लिए वो पहनावा या वेशभूषा जरूरी नहीं होती है, मायने होता है उसका अपना खुद का व्यक्तित्व और चरित्र। और इसके साथ ही साथ बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से गांव की सजीव झांकी दिखाई है कि जो गांव है वो कितना खुशहाल है। और अब हम आगे इसमें यही देखेंगे कि बाल गोविंद भगत की कहानी किस बारे में और क्या बताती है। कहानी जब शुरू होती है तो लेखक ये बताते हैं कि उनके अंदर अपने जाति का, यानी बचपन से ही जो लेखक है ना, उनको जात पात ऊंच नीच का पाठ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। तो किसी के सामने भी वो अपने इस अहंकार से कि वो सर्वोच्च या उच्च जाति के हैं, उनके मन से ये दंभ कभी नहीं जा पाता था। लेकिन नरेटर यानी कि हमारे जो लेखक महोदय हैं वो ये कहते हैं, वो लेकिन जब भी वो किसके पास जाते थे, बाल गोविंद भगत जी के पास जाते थे, तो उनका वो अहंकार वहीं पे ख़त्म हो जाता था। अब लेखक ने हमें बाल गोविंद जी का परिचय दिया है और बताया है कि वो मझोले कद के थे, यानी कि वो बहुत लंबे चौड़े नहीं थे। उनकी जो कद काठी थी वो ठीक ठाक थी और उनके जो बाल थे वो बड़ी बड़ी जटाओं वाले थे। आपने साधु सन्यासियों को देखा होगा, वो जटाएँ रखते हैं। तो बाल गोविंद जी सन्यासी तो नहीं थे, लेकिन जो उनके बाल थे वो बड़ी बड़ी जटाओं के रूप में थे, जिसके ऊपर वो कैसी टोपी पहनते थे, कनफट्टी टोपी पहनते थे, जो कि कबीर पंथ वाले पहनते थे। कबीर पंथी वो लोग होते हैं जो कबीर जी को मानते हैं। इसके अलावा जो बाल गोविंद जी के कपड़े थे वो भी बहुत कम थे, वो एक लंगोटी और एक छोटा सा कपड़ा ऊपर की ओर रखते थे, और जब ठंड आती थी तो उस कंधों पे एक कंबल पड़ जाता था। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो बाल गोविंद जी हैं वो पूरी तरह से सन्यासी हैं, क्योंकि लेखक बताता है कि सन्यासी जो होते हैं वो तो हर चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने बाल गोविंद जी के पूरे परिवार को देखा है, जिसमें उनकी अपनी गृहस्थी थी। उस गृहस्थी में उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनकी पुत्र वधुए भी उनके साथ रहा करती थी। लेखक ने उनकी गृहस्थी देख रखी थी, जिसमें उनका अपना घर था, खेती बाड़ी थी। अब क्योंकि जैसा कि लेखक ने हमें बताया कि जो बाल गोविंद जी हैं वो कबीर जी को मानते थे, तो खेतों में जो भी फसलें होती थी सबसे पहले वो साहब कौन थे, उनके भगवान कबीर जी, उनके मठ में जाते थे और जितनी भी फसल होती थी उनको वो अर्पित करके चले आते थे। और अर्पण के बाद, यानी वो प्रसाद, सारी फसलों को देने के बाद जो प्रसाद के रूप में उनको सामान मिलता था, उसी से अपने घर का वो खर्चा चलाया करते थे और किसी से कुछ नहीं लिया करते थे। तो प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था वो उससे अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। अब लेखक जो हैं ये बताते हैं कि जो बाल गोविंद जी की आवाज़ थी वो बहुत ही सुरीली थी, और उस गाने को सुनने के लिए लेखक सदैव उनसे मिलने के लिए तत्पर रहते थे और पूरा गांव उनकी आवाज़ पर झूम उठता था। जैसे कि किताब में भी ये लाइन कही गई है, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यानी लेखक हमें ये बता रहा है कि आषाढ़ का महीना था, तो आषाढ़ के महीने में क्या होता है, रिमझिम बारिश होती है और उस समय खेतों में रोपाई का काम चलता है। तो सारे लोग, जितने भी गांव वाले हैं, आदमी, बच्चे, औरतें, वो अपने अपने काम में लगी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो हमारे सन्यासी जी हैं, यानी कि बाल गोविंद जी, अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गा रहे हैं, और उन गानों की वजह से
जो सारी औरतें हैं वो झूम झूम के उनके साथ मिलके स्वर में स्वर मिला रही हैं, और बच्चे उछल उछल के उन पादियों में क्या कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं और परिवार वालों की मदद कर रहे हैं। तो लेखक आगे बताते हैं कि जो बाल गोविंद जी हैं गाते जाते हैं और एक एक धान को रोपते जाते हैं, और उनके साथ साथ सारे गांव वाले भी इस काम को बड़ी खुशी खुशी मस्ती के साथ करते रहते हैं। अब आषाढ़ से कौन सा महीना आ गया, भादों की रात आ गई यानी भादों का मास आ गया। भादों की वो अंधेरी अंधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, झिल्ली यानी जो झिंगुरों की आवाज़ आती है, या दादरों की टरटर यानी मेढकों की जो टरटर होती है, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी दिमक दिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। तो लेखक यहाँ कह रहा है आषाढ़ के बाद भादों का महीना आ गया, तो फिर भी जो गोविंद जी है ना, उनके जो ये गाने का सिलसिला है वो कभी नहीं टूटता है। भले ही झींगों की आवाज़ के बीच में मेढकों की टटर की आवाज़ तेज होती जाए, लेकिन उन सबसे भी ऊपर अगर कोई आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती थी तो वो बाल गोविंद भगत के द्वारा गाए गानों की बोल पहुंचते थे। वो क्या गाया करते थे, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, तो पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहुक उठती है। यानी पोयम को एक्सप्लेन करते हुए कवि कहते हैं, मतलब लेखक कहते हैं कि यहाँ पे बाल गोविंद जी जो गाना गा रहे हैं उसमें ये बता रहा है, जो एक स्त्री है वो अपने सजन अपने साजन का वेट करती है, जो उसे लगता है कि वो यहाँ नहीं है जबकि वो उसकी गोद में ही है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंद उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। यानी अंधेरी रात है, सब अपने अपने घरों में दुबके पड़े हैं, लेकिन इस अंधियारे में भी जैसे अचानक से बिजली कड़कती है, इसी तरह बाल गोविंद जी के जो गाने हैं उस बिजली की तरह हम सबके कानों में पहुंच जाते हैं।